दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं ओगणा रोड पर स्थित गोगुंदा की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं से उद्गम होता है मानसी वाकल नदी का। दोस्तों, ये जो एरिया है पूरा जैव विविधता से भरा है और ये पूरा जो क्षेत्र है एक रिजर्व एरिया है। यहाँ पर प्रकृति का सुंदर नज़ारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस क्षेत्र का टेम्परेचर राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के टेम्परेचर से काफ़ी कम रहता है, जो हमें सर्दी का एहसास करवाता है। आने वाले कुछ नेक्स्ट एपिसोड है उनमें हम आपको बताएंगे जो केरल से भी खूबसूरत जगह है वो यहाँ पर उदयपुर में कोटड़ा में स्थित है। कोटड़ा यहाँ पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो बिल्कुल एकदम आदिवासी बेल्ट है, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। राजस्थान में सभी तरह की स्थलाकृतियाँ और सभी तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। जहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले मिलेंगे, वहीं दक्षिण राजस्थान में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और वहाँ पर खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दक्षिण राजस्थान में जो सिरोही है उसमें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, इसी क्षेत्र में है। और दोस्तों, यहाँ पर कई नदियों का उद्गम होता है इसी क्षेत्र से। यहाँ की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर वन विभाग का ऑफिस स्थित है। ये वन विभाग का ऑफिस है जो यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले और इस क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई है। जैसे ही तेज़ बारिश होती है हम आपको पूरे इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, बहती हुई नदियों को, झरनों को हम दिखाएंगे आपको। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम पूरे जो वीडियोज़ हैं आपको दिखाते रहे और राजस्थान की एक खूबसूरत छवि से आपको रूबरू करवाते रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं और यहीं से ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों के बीच में से ये घने जंगलों से होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है और इन पहाड़ियों का पानी ही आगे मानसी वाकल का रूप धारण करता है। मानसी वाकल नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी ओगणा व मानपुर नामक गाँव से प्रवाहित होती हुई उसके बाद में कोटड़ा पहुंचती है और यहां से ये नदी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उदयपुर ज़िले में वाकल नदी 112 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात गांव पीपली नामक गांव के पास
गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है और इस नदी के किनारे उदयपुर जिले के राधोगढ़, होगना, पनवाड़ा और कोटड़ा गांव स्थित है। नेक्स्ट कुछ दिनों में हम आपको इस नदी को प्रवाहित होते और संपूर्ण क्षेत्र और इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको बताएंगे।